नमस्कार, मैं हूँ योगिता प्लास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ नीमच जिले से है। नीमच जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ शादी कराने के नाम पर झांसा देकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर लड़की वाले और लड़के वालों से 31,000 रुपए वसूले जा रहे थे। वहीं आपको बता दें, जानकारी पर नीमच कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और फर्जी ऑफिस को बंद करवाया गया। वहीं सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस फर्जी ऑफिस को भीलवाड़ा से कोई आदमी संचालित कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि उस आदमी को फोन करके बुलाया गया है, जिसके बाद वह आज अपना लेगा झोंका प्रस्तुत करेगा। देखिए संवाददाता दीपक खताबे की खास रिपोर्ट। देखिए, ये एक राजस्थान और इसमें मुझे लगता है और भी प्रांतों के लोग हो सकते हैं शामिल। ये कोई एक बड़ा गिरोह का काम कर रहा है, जो इस प्रकार के ये अलग अलग शहरों में, इन्होंने बताया कि अलग अलग शहरों में इस प्रकार की इन्होंने दुकानें किराए पर लेकर के और जो ये लगाए हैं, इन्होंने विशाल ऐतिहासिक सर्वधर्म सम्मेलन इन्होंने ये रखा है, उसमें कि 31,000 रुपये लड़के वाले और 31,000 रुपये लड़की वालों की तरफ से रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी। और उसके एवज में ये जो विवाह करवाएंगे उसमें ये सोने के जेवर और सोने चांदी के जेवर, और सबसे बड़ी बात यह कि 400 वर्ग स्क्वायर फीट का जो प्लाट देने की इन्होंने बात रखी है। तो ये एक समस्या परे है कि 400 वर्ग स्क्वायर फीट कितनी जगह होती है। तो ये 31,000 रुपये लेके लड़के और लड़की वालों से किस प्रकार से ये जो ये सब चीज़ें भी दे रहे हैं और 450 स्क्वायर फीट का जो ये प्लाट भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि ये कोई बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है कि ये जनता की जो है इस प्रकार। पहले भी देखने में आया कि कई इस प्रकार से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए या नहीं करवाए, और एक बड़े मात्रा में बड़े रूप से इन्होंने प्रचार प्रसार करके और हर जिलों में और जिलों से इन्होंने हर मतलब तहसील स्तर पर गाँव में भी इस प्रकार दुकानें डाल के और पहले भी फर्जीवाड़े करके फरार हो गए। तो अभी देखिए, ये हमारे संज्ञान में आया और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के भी संज्ञान में आया। तो ये पाया गया कि इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया है जिसमें 31,000 रुपये वर वधु से ले रहे हैं, और उसके बाद जो है उन्होंने सब लिखा है कि हम भोजन भी देंगे और प्लॉट भी देंगे। तो ये सामान्य रूप से देखने में ये ठीक प्रतीत नहीं होता है, जब तक कि कोई स्वयंसेवी संस्था इसके पीछे ना हो जो इसको इनको डोनेट करती हो। तो अभी जो यहाँ पे स्थानीय, कल हम लोगों ने यहाँ पे उनके दुकान पे छानबीन करवाई, तो यहाँ जो दो लोग हैं वो तो ये स्थानीय हैं और उनको भीलवाड़ा के एक व्यक्ति द्वारा उनको हायर किया गया है। उस भीलवाड़ा वाले व्यक्ति को टेलीफोन करके बुला लिया गया है, वो अपना आज लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे, उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जब तक के लिए उस ऑफिस पर ताला लगवा दिया गया है, जिससे कि अभी तक और कोई इस ठगी, यदि ठगी है तो शिकार ना हो। अभी तक जो है 3 लोगों से उन लोगों ने 31,000 रुपए लिए हैं, उनको भी KNTI ने बुला लिया है। इसकी जैसी भी जाँच होगी उसके अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।